इस सीसीटीवी फुटेज ने सोशल मीडिया पर लोगों की धड़कनें बढ़ा रखी हैं। महाराष्ट्र के पुणे के इस वीडियो को जिसने भी देखा उसकी सांसें अटक गई। इस वीडियो में आप लाइव तेंदुए को शिकार करते देखने वाले हैं। वीडियो में दिख रहा है एक शख्स मस्त कंबल तान कर सो रहा है। आधी रात का सन्नाटा पसरा हुआ है। अब जरा नजर यहाँ घुमाइए, दिखा कुछ? ट्रक के नीचे से अचानक एक तेंदुआ धमका। तो वहीं दूसरी तरफ ये महाशय नेशनल हाईवे के किनारे दुनियादारी से बेफिक्र मस्त गहरी नींद का आनंद ले रहे हैं। तेंदुआ धीरे से आगे चलकर इस कुर्सी के पीछे जाकर छुप गया। कुछ तो चल रहा है तेंदुए के दिमाग में। दरअसल तेंदुए इंसानी गंध या अपने शिकार की गंध से अच्छी तरह वाकिफ होते हैं और गंध से ही शिकार को ढूंढते हैं। यहाँ इतना तो तय है कि तेंदुए को पता है कि उसका इंसानी शिकार कहाँ है। अब वो दबे पांव अपने शिकार की तरफ बढ़ता है, डस्टबिन के पास रुकता है। चार कदम की दूरी पर सो रहे शख्स को पता भी नहीं है कि होने क्या वाला है। लेकिन ये क्या, जिस चीज को वो सूंघ रहा है वो तो कुत्ता निकला। एक बार फिर से गौर से देखते हैं। तेंदुआ दबे पांव डस्टबिन के पास आता है, उसे सूंघता है, उसे दबोचता है। इतने में कुत्ता चीख पड़ता है। इससे पहले वो कुछ रिएक्ट कर पाता, तेंदुआ अपने मजबूत जबड़ों में उसकी गर्दन दबोच कर भाग निकलता है। कुत्ता चीखता है लेकिन तेंदुआ इतने में अपनी रफ्तार के साथ उसे अपने मुंह में दबाकर भाग निकलता है। इतने में इस शख्स की नींद भी टूटती है। जितनी देर में वो पलटकर पीछे देखता है उतने में तो तेंदुआ उसकी नजरों से दूर निकल चुका होता है और सारा सीन खत्म हो चुका होता है। हैरान परेशान शख्स काफी देर तक यहाँ वहाँ देखता रहता है लेकिन समझ नहीं पाता कि हुआ क्या। फिर उठकर अंगड़ाई लेता है और फोन चलाने लगता है। उसे तो पता भी नहीं कि मौत उसके पास से होकर अभी अभी गुजरी है। लेकिन जिसने भी ये वीडियो देखा उसके मुँह से यही निकला, बाल बाल बच गए। बताया गया है कि ये वीडियो पुणे के नेशनल हाईवे के कल्याण अहमदानगर रोड का है। पूरी घटना ज्ञानेश्वर मौली बॉडी बिल्डर शेड में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अब वायरल हो रही है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।